बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। आज यहाँ की गलियों और मंदिरों में नाग पंचमी की धूम है। महाकालेश्वर मंदिर से लेकर नाग चंद्रेश्वर मंदिर तक भक्तों की भीड़ है। लेकिन नाग पंचमी पर ऐसा क्या खास है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। दरअसल नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं और अब भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि कल रात 12 बजे नाग पंचमी शुरू होते ही रात के अंधेरे में नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले गए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर महाकालेश्वर, दूसरी पर ओंकारेश्वर और तीसरी मंजिल पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, जिसके दर्शन बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ नाग चंद्रेश्वर मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहां सर्प शैया पर विष्णु भगवान नहीं बल्कि भोलेनाथ विराजमान हैं। इस मंदिर में एक प्राचीन मूर्ति है। भक्त शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती के दर्शन करने के लिए नाग पंचमी पर दूर दूर से आते हैं। हमने पंचायती अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज से खास बातचीत की, उन्होंने नाग पंचमी के अवसर पर क्या कहा, सुनिए। नाग पंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमारी परंपरा है, भगवान महाकाल का ये जो दिव्य प्रांगण है, दिव्य मंदिर बना हुआ है, इसमें तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर स्थापित हैं, जो कि प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन 24 घंटे के लिए सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं। बाकी 364 दिन उस मंदिर के पट बंद रहते हैं, तो वर्ष में एक बार अवसर आता है। सभी श्रद्धालु बहुत शिद्दत से प्रार्थना करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं इस दिन की, तो आज वो क्षण आया, भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले गए। सारी विधि परंपराओं के अनुसार हुई। श्री पंचायती खड़ा महानिर्वाणी की जो परंपरा है, महंत गादी के द्वारा पट खोले जाते हैं, तो उसी पद्धति से पट खोले गए, भगवान से प्रार्थना की गई, उसके पश्चात भगवान का षोडशोपचार पंचोपचार पूजन किया गया और पूजन के पश्चात अभिषेक भगवान का किया गया और उसके पश्चात जितने भी श्रद्धालु आए हैं सभी श्रद्धालु आनंद के साथ में भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। उज्जैन में आज के खास मौके पर क्या इंतजाम किए गए हैं, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव इंतजाम किए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक से लेकर मंदिर परिसर में साफ सफाई तक हर चीज का ध्यान रखा गया है, ताकि कोई परेशानी ना हो। इसी कड़ी में हम आपको ये भी सुना देते हैं कि इस पर उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और SP प्रदीप शर्मा क्या कहते हैं। इनकी व्यवस्था करते हुए गाइडेड रूप से लोगों को लाकर के दर्शन कराया जा रहा है। लगभग 500 मंदिर के कर्मचारी, प्रशासन के कर्मचारी लगे। इसके अलावा बड़ी भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। जगह जगह पर पानी की व्यवस्था, वॉशरूम्स की व्यवस्था, डॉक्टर्स की टीम इत्यादि लगी हुई है, ताकि लोगों को सुगमता से दर्शन। देखिए अभी की स्थिति में तो लोगों को लगभग 1 घंटे के अंदर दर्शन हो जा रहे हैं। अभी और जब भीड़ पड़ेगी तब उसके बाद देखा जाएगा। और इसमें कर्कराज पार्किंग से लेकर के 2 डबल बैरिकेडिंग है, जिसमें कि लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। करीब 8 से 10 लाख लोगों का अनुमान है कि वो आज दर्शन करेंगे। हमारा प्रयास है कि हम 1 से 1.25 घंटे के भीतर सभी को बैरिकेड के माध्यम से दर्शन करा दें। व्यवस्था सुचारू रूप से पिछले 1 घंटे से चालू है। पूरे रास्ते में करीब 1850 पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया गया है। CCTV कैमरों से कवरेज किया गया है। ड्रोन भी सुबह से डिप्लॉय किए जाएंगे। जगह जगह पर सभी प्रकार की एमिनिटीज, जैसे पेयजल की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, वो भी क्रिएट किए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी श्रद्धालुओं को आराम से सुगम दर्शन कराए जा सकेंगे। करीब 1850 लोग आज हम लोगों ने लगाए हुए हैं, जो 3 शिफ्टों पर लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो बाहर के आने वाले रोड हैं उस पर भी ट्रैफिक का बल लगा हुआ है। मीडिया के माध्यम से हमने डायवर्जन के बारे में जानकारी कल ही से सभी लोगों को दे दी हुई है, तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं। सावन के महीने में नाग पंचमी का पर्व विशेष श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ये पर्व आता है। इस साल ये पर्व 9 अगस्त को मनाया जा रहा है और इस पर्व का आयोजन सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। पूरे राज्य में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना, भंडारे और मेले लग चुके हैं। श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना करने के साथ साथ मेलों का भी आनंद ले रहे हैं। लोकल 18 के लिए उज्जैन से शुभम मर्मठ की रिपोर्ट।